एंजॉय कर रहा हूँ। इंडिया रॉक स्टार एक नया फॉर्मेट का शो है, इसके अलावा जितने पहले शोज हुए हैं उनमें सिर्फ सिंगिंग होती थी, इसमें परफॉर्मेंस भी है, सिंगिंग भी है, एंड प्लस अच्छा लगता है कि सारे कलाकार हनी ने खुद सिलेक्ट करे सारे, और सभी एक से एक बढ़ के परफॉर्मेंस यहाँ पे हो रही है, आई एम एंजॉयिंग। और जब ये शो शुरू होने वाला था तब भी हनी इज़ लाइक माई यंगर ब्रदर, तो ये चाहता था कि मैं शो पे आऊँ, तो मैं यूएसए चल गया था, पर अभी मैं वापस आया हूँ शो पे, अपनी मूवी को प्रमोट करने भी आया हूँ, बलविंदर सिंह फेमस हो गया, प्लस माय यंगर ब्रदर इनको मैं मिलने भी आया। अभी बता दीजिए बलविंदर सिंह को आपने सेट बुलाया है, क्या कहना चाहेंगे खास बलविंदर सिंह के लिए? वेरी मच एक्साइटेड, शान भाई और मीका भाजी की मूवी आ रही है, बलविंदर सिंह फेमस हो गया और चाहते हैं कि बहुत बढ़िया फिल्म चले और बहुत बढ़िया काम करें। हाँ जी भाजी, क्या कहेंगे? यू नो हमेशा मीका जी ने कहा है कि आप उनके छोटे भाई हैं, आप उनके जान से प्यारे हैं, तो पाजी को आप जब देखते हैं तो आपके अंदर एनर्जी कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्या कहेंगे इसके बारे में? शुरू से पाजी से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन ली हुई है, और जितना भी कॉन्फिडेंस और जितना भी जिसे बोलते हैं जोश, सारा पाजी को देख देख के आता रहा, और पाजी से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी, और जिसे बोलते हैं कि ऐसे रहना और प्रॉपर, ये काफ़ी टाइम से पाजी को देखते आ रहे हैं, और पाजी का मैं शुरू से बहुत फ़ैन हूँ, और कई सारे पाजी के शोज़ देखने जाता था मैं जब दिल्ली में होते थे, और सावन में लग गई आग के बाद जब गबरू एल्बम आई थी और उसके बाद कई शोज़ हुए थे पाजी के दिल्ली में, वो काफ़ी देखे थे हम लोगों ने, और बहुत बारी मैंने मेरे छोटे भाई को मैंने चिकन और मटन बना के मैं खिलाता रहा हूँ और अभी बहुत खुशी होती है मेरी, मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरा भाई दिल्ली से है और हम एक एरिया से हैं, एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं, एंड ही इज़ डूइंग फैंटेस्टिक, ही इज़ डूइंग वेरी वेल, और जो भी हनी का गाना आता है आज की डेट में वो नंबर वन चार्ट पे रहता है, और चाहे वो एल्बम का सॉन्ग हो हनी का, चाहे वो मूवी का सॉन्ग हो, सो ही इज़ रॉकिंग। अभी इसका जो शो है वो भी सुपरहिट जा रहा है, एंड आपने देखा कि सारे कंटेस्टेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमेशा मैं हनी के साथ हूँ एज ए ब्रदर एंड एज ए रियल ब्रदर यू कैन से। हाँ जी, अभी का दौर एक ऐसा दौर कहा जाता है, एक ऐसा दौर बन चुका है जहाँ पे जब तक फिल्म को बहुत अच्छी तरह प्रमोट नहीं किया जाए तब जी बॉक्स ऑफिस के आंकड़े नहीं बढ़ते। नहीं, अभी क्या हो गया कि अभी गाने पे बहुत डिपेंड हो गया, अगर आपके सॉन्ग्स मूवी के अच्छे हैं तो फिल्म को एक अच्छी ओपनिंग मिल जाती है और आपको ज़्यादा प्रमोशन पे पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। जैसे मेरा गाना आया था पार्टी तो बनती है, साथ ही में हनी का गाना आया था भूतनाथ में, या अभी एक मूवी आई है किक, सुपरहिट मूवी गई है जिसमें जुम्मे की रात है, अगेन हनी सिंह का भी साथ में गाना था, तो म्यूज़िक अच्छा होना, गाना अच्छा होना, और अगर ऐसे पॉपुलर आर्टिस्ट हों हनी जैसे, तो फिल्म को एक बहुत बड़ा ओपनिंग मिलती है और गाना सुपरहिट होने से लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और अगर म्यूज़िक अच्छा नहीं होता तो कहीं ना कहीं फैंस निराश होते हैं, स्पेशली जब वो देखते हैं उसके बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं वो नहीं डांस कर पाते या अच्छा गाना नहीं है तो वो खुश नहीं होते। अगर सॉन्ग अच्छा है तो मेरे हिसाब से फिल्म को बहुत फ़ायदा होता है, और उसके लिए क्रेडिट गोज़ टू हनी, और मैं भी पूरा लगा हूँ जोश में, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं गाने अच्छे गाऊँ, और जैसे किक्का जुम्मे की रात सुपरहिट गाना गया तो बहुत अच्छा लगता है कि उससे पूरी फिल्म को फ़ायदा होता है, मुझे फ़ायदा होता है, म्यूज़िक इंडस्ट्री को फ़ायदा होता है, और भी जो सिंगर्स हिट सॉन्ग को गाएंगे उनको फ़ायदा होता है। सो अभी तो हिट मशीन चल रही है, गाने अच्छे होंगे तो मूवी को बहुत फ़ायदा।